हे गाइस, तो ये हमारे सामने ऑल न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का आज हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया गया है और नए नए फीचर्स को इस बाइक में एड ऑन कर दिया गया है। और साथ साथ इस बाइक का जो इंजन है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव किया गया है। तो हर एक कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके आप हीरो के किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट से शुरुआत करें तो इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, जो कि आपको पुराने वाले जैसा ही देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको फ्रंट में फुल्ली LED लाइट सेटअप दे दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको LED में DRL लाइट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दिन में भी ये जलता हुआ दिखेगा। इस जगह पे आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको थोड़े से क्रोम टच में दिए गए हैं। फ्रंट का विंडस्क्रीन आपको टोटली ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, जो कि आपको थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिए गए हैं। दोनों साइड आपको माइनर सा स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। ये जो सामने देख सकते हैं, जो कि आपको रेड कलर है, इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलेगा। ये आपका रेड कलर, साथ साथ इसमें आपको ब्लैक कलर और साथ साथ इसमें आपको मैट ग्रे कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप देखें तो इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे। ये आपका लो बीम का ऑप्शन दिया गया है और नीचे की ओर देखें तो ये आपको हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको फुल्ली LED में ही दिया गया है। इंडिकेटर्स जो मिलता है, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड देखें, जो कि आपको ग्लॉसी रेड कलर में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बॉडी कलर से मैच करता हुआ दिख जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। और फ्रंट टायर की ओर देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको 80/100 सेक्शन का देखने को मिलेगा, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर दिया गया और फ्रंट में इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर इसके साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो इसका आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, जो कि आपको थोड़े से लंबे रखे गए। 13 लीटर का इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और टैंक की ओर देखें तो यहाँ पे आपको एक्सटेक का स्टिकर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़े से ग्रे कलर के स्टिकर दिए गए हैं, जो कि आपको टोटली पीछे की ओर जाता हुआ दिख जाएगा। टैंक में ही देखें तो यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर का आपको ब्रांडिंग किया गया, जो कि आपको थोड़े से क्रोम फिनिश में देखने को मिलेंगे। ये देखें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल नॉब्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक स्टिकर ये देखने को मिलेगा, जो कि आपको E20 दिया गया है, मतलब कि इसमें आप इथेनॉल भी डाल के इस बाइक को चला सकते हैं। 20% इसमें आप इथेनॉल डालें और 80% इसमें आप पेट्रोल डाल के इस बाइक को भी चला सकते हैं, जो कि इस बाइक के इंजन में सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव किया गया है। अगर इंजन की ओर देखा जाए, इंजन आपको 124 सीसी का देखने को मिलता है, जो कि आपको 10.76 BHP का पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। एयर कूल्ड के साथ इस बाइक का आपको इंजन आ जाता है, जो कि आपको BS6 फेज 2 के साथ देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे पेट्रोल और साथ साथ इसे आप इथेनॉल के साथ भी चला पाएंगे। इसका एग्जॉस्ट देखें, जहाँ कि आपको थोड़े से क्रोम टच दिए गए हैं। ऊपर से सीट आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड मिलता है, जिसे 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और जो सीट का कुशन है वो भी आपको अच्छा खासा रखा गया है। और यहाँ पे आपको थोड़े से वाइट कलर के आपको थ्रेडिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हीरो का स्टिकर मिल जाएगा लोगो के साथ। ये आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। रियर सेक्शन की ओर देखें तो रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको ग्रे कलर में ही दिए गए हैं। और रियर टायर की ओर देखें तो रियर टायर भी आपको 90/90 सेक्शन का देखने को मिलेंगे। रियर में आपको 130 mm का इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बाइक का वेट आपको 123 kg का रखा गया और रियर से इसका आप टेल लाइट्स देख सकते हैं, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ इसका आपको टेल लाइट्स देखने को मिलेगा। इस जगह पर आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टर दिया गया है। और इस साइड से इस बाइक को देखेंगे, जहाँ कि आपको सारी गार और लेडीज़ फुटेज दोनों ही पहले से ही मिल जाएंगे, आपको बाहर से लगवाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। चेन आपको टोटली कवर्ड ही मिलेंगे और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलेंगे। और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी ऑप्शन दिया गया है। और टोटल इस बाइक में आपको 5 गियर के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए, जहाँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इसका आप मीटर कंसोल देखेंगे, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में मीटर कंसोल दे दिया गया है। सेम आपको स्प्लेंडर का जो मीटर कंसोल मिलता था एक्सटेक वाला, वही सेम आपको यहाँ पे मीटर इंस्टॉल कर दिया गया है। इधर आप देखें तो ये आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आपको क्या एवरेज है, क्या माइलेज है, वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन हो गया, ये आपको ओडोमीटर यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और ये आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन हो गया। इधर आप देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए, और साथ साथ यहाँ पे आपको एक मोड का बटन मिलता है। इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रिप ए, ये आपका ट्रिप बी का ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे आपको ओडोमीटर का ऑप्शन मिलेगा। इसे एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेलो माय हीरो करके लिखा हुआ आ जाता है। और साथ साथ इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ कि आपको कॉल अलर्ट और SMS अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट भी आपको यहाँ पे शो करने वाला है।
साथ साथ एक चीज़ और आप देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका मोबाइल कितना ज़्यादा चार्ज है, आपका परसेंटेज क्या है बैटरी का, वो भी आपको यहाँ पे शो करने वाला है। इसके चारों ओर देखें तो यहाँ पे आपको थोड़े से क्रोम टच दिए गए हैं। सिंगल पीस आपको यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है। स्विचेस की ओर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पासिंग का स्विच, आपका लो बीम, ये आपका हाई बीम का स्विच, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच दिया गया। और यहाँ से आप देखें जो कि आपको I3S ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया, जिससे कि आपको पेट्रोल को काफ़ी ज़्यादा बचाने में मदद करने वाला है। और यहाँ से आप देखें जो कि आप इस जगह से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे, इसमें आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और इस बाइक का आपको मैं एग्जॉस्ट साउंड को सुनाता हूँ। तभी गाइस जस्ट आपने इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, जो कि इंजन में आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेंगे और इंजन में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से कि आप अपने मोबाइल को ईजिली चार्ज कर सकते हैं चलते वक्त ही, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इस बाइक के माइलेज की ओर देखा जाए तो इस बाइक में आपको माइलेज अप्रॉक्स 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का आपको टॉप स्पीड लगभग 90-95 किलोमीटर पर आवर का इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक का आपको जो सीट हाइट है जो कि आपको 799 mm का रखा गया है, और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का आपको 180 mm का रखा गया है, जिससे कि इसे आपको खराब रोड में भी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। और साथ साथ अगर आपका हाइट 5.5 inches है तब कोर्स आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे। तो मैंने गाइज इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको हर एक कुछ इस डिटेल्ड रिव्यू में बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको कितना रखा गया है। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस रखा गया जो कि आपको 98,000 rupees में देखने को मिल जाएगा, हमारे नियर सिटी शोरूम रांची राहुल हीरो में ये आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।